हेलो एवरीवन, सिकोस का यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडियो में आपके सामने फिर से हाजिर हूँ क्लास टेंथ के हिस्ट्री का एक टॉपिक लेके। टॉपिक चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राइट नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। द डेथ ऑफ मैन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, यानी कि विश्व युद्ध के कारण जो कामकाजी जो पुरुष थे उनकी मौत के कारण क्या क्या प्रभाव पड़े यूरोप के अंदर, ये हमें डिस्कस करना है। तो देखते हैं आंसर क्या है। द डेथ ऑफ मैन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप, यानी कि जो कामकाजी जो वर्ग के जो पुरुष थे उनकी मौत के कारण, यूरोप के मौत के कारण क्या असर पड़ा बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध के कारण जो उनकी मौत हुई थी तो क्या असर पड़ा। रिड्यूस द एबल्ड बॉडीज वर्क फोर्स इन यूरोप, तो यूरोप के अंदर जो योग्य जो कामकाजी पुरुष थे उनकी संख्या काफी कम हो गई। देयर बाय रिड्यूसिंग द हाउस होल्ड इनकम, और इसलिए उनकी घरेलू इनकम भी कम हो गई। ड्यू टू दिस द वुमेन स्टेप्ड इनटू अंडरटेक द जॉब्स, इसलिए महिलाओं को आगे आना पड़ा और महिलाओं को नौकरियां करनी पड़ी। दैट अर्लियर ओनली मैन वर एक्सपेक्टेड टू डू, जो कि केवल पहले केवल पुरुष पुरुष करते थे। इट इंक्रीज द रोल ऑफ वुमेन दैट लेड टू डिमांड फॉर देयर इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी, इसने क्या किया महिलाओं का जो रोल था, वुमेन्स का जो रोल था उसको बढ़ा दिया और डिमांड कि उनके इक्वल स्टेटस की सोसाइटी के अंदर, तो महिलाओं को भी बराबर दर्जा दिया जाए इसकी डिमांड बढ़ गई। इट मेड द फेमिनिस्ट मूवमेंट इवन स्ट्रॉन्गर, इसने जो महिलावादी जो आंदोलन होते थे उनको भी काफी मजबूत बनाया। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या कुछ था। तो आपका क्वेश्चन था कि जो कामकाजी वर्ग के जो पुरुष थे उनकी विश्व युद्ध में मौत के कारण यूरोप में क्या क्या असर पड़ा। तो देखिए इसका आंसर क्या है। द डेथ ऑफ मैन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप, यूरोप के अंदर जो कामकाजी वर्ग के जो पुरुष थे उनकी विश्व युद्ध में मौत हो गई, तो उस वजह से क्या हुआ यूरोप के अंदर जो योग्य जो पुरुष थे उनका वर्क फोर्स के अंदर जो पुरुष थे उनका संख्या कम हो गई, इसलिए क्या हुआ उनकी हाउस होल्ड इनकम भी कम हो गई। ड्यू टू दिस द वुमेन स्टेप इनटू द अंडरटेक द जॉब्स, इसलिए महिलाओं को नौकरियां करने के लिए आगे आना पड़ा। डेट अर्ली ओनली मैन वर एक्सेप्टेड टू, जो पहले केवल पुरुष पुरुष करते थे। इट इंक्रीज द रोल ऑफ वुमेन दैट लेड टू द डिमांड फॉर देयर इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी, इसने इसलिए महिलाओं का रोल भी बढ़ा दिया और सोसाइटी के अंदर यानी कि समाज के अंदर उनके इक्वल स्टेटस की डिमांड भी बढ़ा दी। इट मेड द फेमिनिस्ट मूवमेंट इवन स्ट्रॉन्गर, इसने महिलावादी जो आंदोलन चलते थे उनको भी काफी मजबूत बनाया। तो ये था क्लास टेंथ के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए। धन्यवाद।